हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। सो आज स्टैटिक जीके मैराथन का डे 24 है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी जो है दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप सबको पता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, एस फॉर सिक्योरिटीज, ई फॉर एक्सचेंज, बी फॉर बोर्ड ऑफ, आई फॉर इंडिया। So, उसके चेयरमैन का नाम पूछा गया है। ऑप्शंस हैं सुनील अरोड़ा, जीवी रामाकृष्णा, अजय त्यागी या फिर मनोज वाजपेयी। सो इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है अजय त्यागी जी। अजय त्यागी जी जो है वो सीबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। 12 अप्रैल 1952 में जो है वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया था और मुंबई में इसके जो है वो हेडक्वार्टर्स है। अपने आप में ये एक स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन है, जिसका मतलब ये है कि इसका अपना एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग ये गवर्न करती है। नेक्स्ट इज, एट विच प्लेस इज द चारंका सोलर पार्क लोकेटेड। चारंका सोलर पार्क जो है वो भारत के किस राज्य में जो है वो स्थित है। सो संतनपुर में ही स्थित है। संतनपुर जो है वो गुजरात में है। संतनपुर कहाँ पे है, गुजरात में है। चारंका सोलर पार्क जो है वो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात में। यहाँ पे लिख दो कि गुजरात चारंका सोलर पार्क, जिसको गुजरात सोलर पार्क भी कहा जाता है, गुजरात ऑल्सो नोन एज गुजरात सोलर पार्क, ये संतनपुरा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवराज सिंह चौहान इज द सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। ठीक है, किस इंडियन स्टेट के शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो अभी चीफ मिनिस्टर है। ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड, और इसका जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर वो शिवराज सिंह चौहान है। इसी के साथ बाकी ऑप्शंस के भी देख लेते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के सीएम है। अगला ऑप्शन है हमारे पास गुजरात। सो गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल, यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ, भूपेंद्र भाई पटेल। इसी तरह से उत्तराखंड, उत्तराखंड के जो सीएम है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज सवाई मानसिंह स्टेडियम लोकेटेड। सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, केरला, पंजाब और राजस्थान। राजस्थान के जयपुर इलाके में जो है, राजस्थान में जो जयपुर है आपको पता है बहुत ही सुंदर देखने लायक जगह है, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है वो वहीं पे लोकेटेड है। नेक्स्ट इज, गोटाबाया राजपक्सा इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गोटाबाया, गोटाबाया राजपक्सा। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, हमारे पास ऑप्शंस हैं श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स और भूटान, और इसका जो सही जवाब है वो है श्रीलंका। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो है गोटाबाया राजपक्सा। अब इसी के साथ जो बाकी ऑप्शंस हैं उनका भी देख लेते हैं कि नेपाल के, नेपाल जैसे बी ऑप्शन है, उनकी जो प्रेसिडेंट है वो इस टाइम पे फीमेल प्रेसिडेंट है, दैट इज विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाल इज आवर नेबरिंग कंट्री। इसी तरह से मालदीव जो है, वेरी गुड प्लेस टू विजिट, मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव जो है वो भी इंडिया के पास है और भूटान इज ऑल्सो नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। सो सारे ऑप्शन जो है वो नेबरिंग कंट्रीज के हैं। सो भूटान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है लॉटे शेरिंग। लॉटे शेरिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड नो टोबाको डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन। ऑप्शंस हैं 12th of August, 8th of March, 31st of May एंड 10th of June। सो इसका जो सही जवाब है दैट इज सी, 31st May के दिन जो है वो क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड नो टोबाको डे। से नो टू टोबाको, 31st May के दिन जो है वो हर जगह नो टोबाको डे जो है वो मनाया जाता है।
सारे यूएन कंट्रीज जो हैं, यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स जो हैं, वो इस दिन को मनाते हैं टू रेज द अवेयरनेस रिगार्डिंग एब्स्टेनिंग पीपल फ्रॉम टोबैको, कि वो टोबैको को यूज ना करें। नेक्स्ट इज डांडिया रास। डांडिया रास आप सबने सुना है, श्री कृष्ण जी जो है वो ये नृत्य बहुत ज्यादा जो है वो परफॉर्म किया जाता था। श्री कृष्ण जी डांडिया रास जो है वो खेलते थे। इट इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ इट्स इंडियन स्टेट गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो इसका जो सही जवाब है, आप सबको पता है नवरात्रि में भी डांडिया जो है वो बहुत ज्यादा खेला जाता है। गुजरात का ये फेमस डांस फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट सीईओ, सीईओ हु इज सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये रैंक रहता है एक तरह का ना कॉर्पोरेट कंपनीज में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑफ गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीईओ जो है उनका नाम क्या है। ऑप्शंस हैं सुनील अरोड़ा, शशि मलिक, मनोज जैन या फिर अखिल मित्तल। सो इसका जो सही जवाब है दैट इज मनोज जैन। मनोज जैन जो है वो इस टाइम पे गेल के सीईओ हैं, मनोज जैन। बाकी ऑप्शंस जो गिवन है जैसे कि सुनील अरोड़ा ऑप्शन गिवन है, ये पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते थे। ठीक है, पहले ये कौन थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक का नाम आप सबने सुना होगा, ये रेसलर है। ये कौन है, रेसलर है। इसी तरह से अखिल मित्तल जो है इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई है, मैनेजिंग कंसल्टेंट है ये। नेक्स्ट इज सिटी ऑफ अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक। अहमदाबाद जो जगह है, जो शहर है, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, साबरमती, माही, गोदावरी या फिर नर्मदा। इसका जो सही जवाब है वो है साबरमती। साबरमती नदी के किनारे जो है वो अहमदाबाद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रिक जेविक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। रिक जेविक जो है वो किस कंट्री की, किस देश की राजधानी है, स्वीडन, निकारागुआ, आइसलैंड या फिर हॉन्जुरस। सो इसका जो सही जवाब है वो है आइसलैंड। आइसलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है रिक जेविक। सो इसी तरह से बाकी ऑप्शंस का भी देख लेते हैं, पता होना चाहिए कि स्वीडन जो है, स्वीडन की कैपिटल क्या है। ऐसे ही स्टॉकहोम, स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। इसी तरह से अगला ऑप्शन आपको गिवन है निकारागुआ। निकारागुआ जो है वो एक कंट्री है, इसी की तरह एन से निकारागुआ और एम से मानागुआ, वो है इसकी कैपिटल, वो है इसकी कैपिटल। अगली कंट्री है हमारे पास डी ऑप्शन में गिवन, हॉन्डुरस। हॉन्डुरस की जो कैपिटल है ना, थोड़ा सा टेक्निकल सा नेम है, दैट इज तेगू की गालपा, तेगू की गालपा। ठीक है, तेगू की गालपा जो है वो कैपिटल है हॉन्डुरस की। अगला क्वेश्चन, हु इज द करंट चीफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के करंट अभी इस टाइम पे चीफ जनरल जो है वो कौन है, अश्विनी लोहानी, बिपिन रावत, करमबीर सिंह या राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आपको पता है बिपिन रावत जी जो है वो इस टाइम पे चीफ जनरल है इंडियन आर्मी के। अगला क्वेश्चन है, डंडास, झंडुआ और लुड्डी जो है वो किस स्टेट के। लुड्डी जो है ना पंजाब में डाली जाती है, तो यहीं से याद कर लो, लुड्डी, झंडुआ और डंडस जो है वो पंजाब के फोक डांसर्स हैं। व्हाट इज द करेंसी नेम ऑफ द रशिया। रशिया की करेंसी आर को, रशिया आर को रूबल, रशिया रूबल, रशिया रूबल, इस तरह से याद करो करेंसी नेम जो है दैट इज रशिया रूबल। व्हेन इज द वर्ल्ड म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड म्यूजियम डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, अप्रैल 17, मार्च ऑफ 30, मई 18 या फिर जून 11। सो वर्ल्ड म्यूजियम डे जो है वो 18 मई के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम डे मनाया जाता है कि जो हमारी पुरानी चीजें होती है, जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उन आर्टिफैक्ट्स को रिटेन करके रखना। तो इंटरनेशनल म्यूजियम मई 18 के दिन, वर्ल्ड म्यूजियम डे भी जिसको कहा जाता है। सो ये कोऑर्डिनेट किया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के द्वारा। सारे म्यूजियम्स जो है वो इसको सेलिब्रेट करते हैं कि किस तरह से हमारी जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं उनको हमें संभाल के रखना चाहिए, जस्ट किस चीज के लिए, ताकि इन फ्यूचर उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकें और साथ में रिटेन करके रख सके। सो वर्ल्ड म्यूजियम डे जो है वो म्यूजियम्स की अवेयरनेस के रिगार्डिंग मनाया जाता है। सत्यम देव नारायण आर्य इज द करंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट के गवर्नर जो हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा। हरियाणा के जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य।
बाकी ऑप्शंस देखते हैं, जैसे बिहार है, बिहार में जो अभी गवर्नर है उनका नाम है फागू चौहान, फागू चौहान इज द गवर्नर ऑफ बिहार। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है उनके गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, योगी सरकार है जहाँ पे, वहां पे आनंदीबेन पटेल जो है वो गवर्नर है। राजस्थान जो है उनके गवर्नर है कलराज मिश्रा, गहलोत की सरकार है यहाँ पे, कलराज मिश्रा जो है वो गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, द गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज स्टेट्स, किन स्टेट्स में ये जो गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेटेड है। ऑप्शन है गुजरात, गुजरात में, जी फॉर गिरनार, जी फॉर गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हु इज द सीईओ ऑफ ओएनजीसी, ओएनजीसी की फुल फॉर्म याद कर लो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन है शशि शंकर, गुरदीप सिंह, मुकेश कुमार सुराना या फिर मनोज जैन। सो ओएनजीसी जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके जो सीईओ है उनका नाम है शशि शंकर, शशि शंकर जो है वो ओएनजीसी के सीईओ है। साथ ही हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, वसंत कुंज न्यू दिल्ली, वसंत कुंज न्यू दिल्ली में जो है वो इसके सीईओ है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज सिचुएटेड आर, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन निन, NIN कहा जाता है जिसको, इसके जो हेड को ये कहाँ पर है, बेंगलुरु, हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर गुवाहाटी। सो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद, तेलंगाना, तेलंगाना में जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन है, NIN इसको कहा जाता है। सो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसका क्या काम है, ये क्यों बनाई गई है, ये एक इंडियन पब्लिक एंटरप्राइज है, किसके लिए, हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए काम करती है, रिसर्च सेंटर है एक तरह का। ICMR जो है वो इसकी ऑपरेटिंग एजेंसी है। कौन है ICMR, ICMR आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च सेंटर है, किसके लिए, मेडिकल रिसर्च के ऊपर जो है वो फोकस करता है, और हैदराबाद में जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट इज, हु इज सर्विंग इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका क्या नाम है। ऑप्शन है शरद अरविंद बोबड़े, राजन गोगोई, एनवी रामन और दीपक मिश्रा। इसका सही जवाब है एनवी रामन, एनवी रामन जो है वो क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 24 अप्रैल 2021 से एनवी रामन ही जो है वो इंडिया के चीफ जस्टिस की तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन। ऑप्शन है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गोवा या फिर हरियाणा। सही जवाब है हरियाणा, दीन बंधु छोटू राम जो है वो हरियाणा में पाए जाते हैं, और वहीं पे जो है वो इनका थर्मल पावर स्टेशन, आप इस तरह से इसको जो है वो याद कर सकते हो, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो है वो हरियाणा में है, यमुनानगर के पास जो है वो ये लोकेटेड है हरियाणा में, और कोल बेस्ड है, यहाँ पे HPGCL के पावर प्लांट्स हैं, रिलायंस एंड एनर्जी लिमिटेड और शंघाई इलेक्ट्रिक जो कि चाइना की कंपनी है उसके द्वारा ये जो है वो बिल्डअप किया गया था 2007 में। सो इसी के साथ हमारा स्टैटिक जीके 24 का डे 24 का सेशन जो है वो यहीं पे खत्म होता है, कल मिलेंगे डे 25 के साथ। थैंक यू।